हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि हम अपनी ताल को कैसे परफेक्ट करें। जब हम गाना बजाते हैं तो गाना बजाते वक्त हमारी ताल बिगड़ जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ रुकना था, कितनी देर रुकना था या हम उस चीज़ को कहाँ से उठाएँ, ये बहुत सारी बातें। अच्छा देखिए क्या होता, जैसे ताल, कई लोग गाना ताल में बजाना चाहते हैं शुरू में, जैसे हारमोनियम पकड़ी तो वो सोचते हैं कि हम जैसे हारमोनियम पकड़े हैं वैसे हमारा गाना भी बज जाए और वो एग्जैक्ट ताल में बज जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर चीज़ की हमें ज़िंदगी में एक आदत बनानी पड़ती है। किसी भी चीज़ को जब तक आप 4 बार करेंगे नहीं, 10 बार करेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह नहीं बैठती है, संसार का कोई भी काम हो। ठीक है, तो ताल को भी आप जब ही परफेक्ट कर पाएंगे जब उसके लिए थोड़ा आप रियाज करेंगे। और रियाज में करना क्या होता है, हम वो नहीं करते हैं और गाना जब हम बजाते हैं तो हमारा अक्सर छूट जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हमें कितनी देर कहाँ रुकना था, कहाँ से गाना उठाना था, यही तो समझना होता है। और ये चीज़ हम समझते नहीं हैं और अंधाधुंध हम गाने को बजाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका होता है कि जो हम कोई रियाज कहीं संगीत सीखना शुरू करते हैं तो हमें अलंकार दिए जाते हैं। अलंकार पे हम जो है 3 ताल पे या कहरवा ताल पे अलंकारों को बजाते हैं, उनसे भी हमारी ताल परफेक्ट होती है। लेकिन कहाँ कितनी देर रुकें, का किस मात्रा से गाने को उठाएं, ये चीज़ समझने के लिए आपको करना पड़ता है बंदिशों का प्रैक्टिस। अभी मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि हम किसी भी बंदिश को जब करते हैं तो उस बंदिश से हमें कैसे समझ में आता है कि हमें यहाँ इतनी देर रुकना था या हमें किस मात्रा से इसको उठाना था। जब हम बंदिश करते हैं तो बंदिश इसीलिए करवाई जाती है आपको कि बंदिश भी एक गीत ही है और उस वो सिंपल बनाया जाता है, वो सिंपल बना के आपको समझाने के लिए कि आपको इसी तरह आगे गाने मिलेंगे और उन गानों को आपको इसी तरह से उठाना है, इसी तरह से समझना है कि अगर कहीं आप रुकते हैं तो कितनी देर रुकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ताल कैसे परफेक्ट करें, ताल परफेक्ट करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है बंदिश। किसी भी राग की आप बंदिश ले लें और उस बंदिश को किस तरह रियाज करना। अच्छा, जैसे बंदिश में आपने देखा होगा कि दिया होता है जागो जागो कृष्ण मुरारी। अभी जो ये जो खट के बीच में आ रहे हैं इन्हीं को तो समझना होता है, यही आपके रुकने की जगह होती है। जैसे हम लिख लेते हैं, मान लो हमारे पास है जा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझाऊंगा और आप इसको जरूर समझ पाएंगे, जागो जागो कृष्ण मुरारी। ठीक है, अब हमारे पास ये इतने बोल हैं, जागो जागो कृष्ण मुरारी, इतने बोल हैं। अब इनको हमें ताल में कैसे बिठाएं हम, अब ये हमारे ताल में कैसे आएंगे, इनको हम किस तरह ताल में गाएं। जागो जागो कृष्ण मुरारी आपको दे दिया गया, अब आप इसको मीटर में कैसे बिठाएंगे। आपका मीटर क्या होता है, मीटर का मतलब ये आपके पास लाइन है। अब इस लाइन को आप दादरा ताल में रखना चाहते हैं या कहरवा ताल में रखना चाहते हैं, किस ताल में रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें उसको उसमें भरना होता है। अब भरेंगे कैसे, जैसे जागो जागो कृष्ण मुरारी, ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब इसको हमें लय में कैसे लाना है, जागो जागो, 8 मात्रा हो गई, कृष्ण मुरारी। ये तो बनी हुई बंदिश है, वही मैं आपको बता रहा हूं समझाने के तौर पे। अभी आगे मैं आपको कोई नई लाइन, हम जिसको अभी लाइन को बनाएंगे और अभी ताल में भरेंगे वो भी बताएंगे। अब जैसे जा, अब जा के बाद हा क्यों आया, क्योंकि हमें उसको लय में भरना है। अब वहां अगर आप जागो जागो ऐसे गाएंगे तो ताल में कैसे भरेगा, जा गो, बंदिश ऐसे क्यों लिखी जाती, उसके लिखने का यही तरीका होता है कि हम उसको अपने मीटर में कैसे भरें। जागो जागो, 8 मात्रा,
सॉरी कृष्ण, यहां कृष्ण कृष्ण मु रारी। कितनी मात्रा हमारी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा हमारी कंप्लीट हो गई। जो हमारी लाइन 8 मात्रा की थी हमने उसको 16 मात्रा में भरा। जागो 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 कृष्ण मुरारी। अब उसको हमने लय में जब लिया तो ये हमारा बन गया 16 मात्रा का मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 और 16। ठीक है, ये 16 मात्रा हमारी बन गई। अच्छा, जब इसको हम लय में लेकर के आए, जागो जागो कृष्ण मुरारी। अब रारी, जब आप इस तरह से किसी चीज को गाते हैं तो आपको एक आपके माइंड में एक मीटर बनता है और उस मीटर में ये जागो जागो जा, फिर एक मात्रा खाली वहां पे जा, ये खटका होता है। जैसे हम कोई गाना हम गाते हैं तो गाने में मान लो लास्ट में आपको दो मात्रा रुकना है और वो आपके मीटर, अगर आप नहीं रुके तो वो मीटर से आपका छूट जाएगा। हमें बंदिश यही सिखाती है कि आपको मीटर में चलना कैसे है, ये मीटर में चलना आपको सिखाएगी। 8 मात्रा की जो हमारी बंदिश थी उसको हमने 16 मात्रा में कैसे भरा। ठीक है, ये होता है मीटर। अब ये 8 मात्रा का मीटर है, ये 8 मात्रा का मीटर। अब इसमें बात आती है, इस चीज को देखिए एक बार दो बार करने से काम चलने वाला नहीं है। ये चीज हमें अपनी आदत में उतारनी पड़ती है और इसके लिए हमें बहुत सारी बंदिशें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। बंदिशों का जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो उनसे हमारे मन में एक मीटर तैयार होता है और हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से अपनी लाइन को भरें। जैसे मान लो, अच्छा पहले इसमें हम वो काम कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा किस मात्रा से इसको हमें उठाना है? जागो, अब जागो कृष्ण मुरारी। हमारे किसी भी गाने में, चाहे वो कोई भी गाना हो, गाना भजन गजल कुछ भी, जब हम कोई लाइन शुरू करते हैं और उसके शुरू में अगर कोई ऐसी लाइन है जिसमें शुरू में ही जोर पड़ता है तो वहां से गाना शुरू होगा। अब इसमें जोर कहां पड़ रहा है? जागो, अब गो पे हमारा जोर पड़ रहा है। अब जैसे हमको तो पता है कि जागो वहां पे सम है, हमने उसको समझ के बजा लिया, लेकिन आप उसको कैसे समझेंगे? तो आपको उसे समझने के लिए कि जो जागो जागो है उसको हमें समझने के लिए उसमें कहां जोर पड़ रहा है, इसीलिए तो हमें रियाज करना पड़ता है। जब आप उसको रियाज करते हैं तो आपको एक बीट का अनुभव होता है। जैसे 3 ताल हम बजाते हैं तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। अब धा पे हमारा एक निराला जोर पड़ता है। निराला जोर पड़ने का मतलब है कोई बीट बज रही है उसमें जहां जोर पड़ेगा वो उसका सम होता है। सीधी बात ऐसे ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब जब हम ताली लेते हैं तो हमारा जोर पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7। आपके गाना चलने की यही विधि होती है, ये जोर पड़ता है। जागो, देखिए मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जागो जागो कृष्ण मुरारी, जागो जागो। अब देखिए जैसे जागो जागो, अब जा 2 मात्रा हमने छोड़ी,
फिर हमारा गो आया, तब ताली हमारी आई। ये हमारा नेचर है, हमारे जीवन का ये नेचर होता है। कभी भी आपकी ताली गलत जगह पड़ी नहीं सकती। कोई गाना बजता हो, आप उस पर चुटकी बजाइए, देखिए आपकी चुटकी कहाँ कहाँ पे आती, किस किस बोल पे चुटकी आ रही, या आप ताली ही बजाते रहिए ऐसे ऐसे करते हैं। अब ये ताली क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे ताली, 2 खाली, 3 पे ताली, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप कोई गाना सुनते हैं, कहीं महफिल में कोई गाना बज रहा है, तो आप इसी तरह से तो चुटकी देते हैं, ये इस तरह आप चुटकी देते हैं, तो ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा गाना उठाने का सिस्टम होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और आती है कि गाना हमेशा जो है वो सम से नहीं उठता है, गाना खाली से भी उठता है, सम से भी उठता है, दोनों जगहों से उठता है। यही चीज हमें सीखनी होती है। बंदिश जब आपको करवाई जाती है तो बंदिश में आपको दिखाया जाता है कि कभी बंदिश 5वीं मात्रा से शुरू हो रही है, कभी 4थी मात्रा से शुरू हो रही है, कभी 9वीं मात्रा से शुरू हो रही है, तो अलग अलग शुरू करके ही आपको दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि हमारा कोई गाना जब उठता है तो वो किस तरह उठता है, कैसे उठता है, वहां पे जोर कैसे पड़ता है, वो खाली से कैसे उठता है। यही चीज हमको सीखनी होती है और वो चीज हमारी आती है रियाज से। जागो, ये खटका आपके गले में बनते हैं, तो जागो 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 जागो, 8 मात्रा बन गई, जबकि बोल हमारे 4 ही हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमें उसको 8 मात्रा में भरना है। तो इस चीज को जब ये चीज आपके समझ में आ जाती है, आपका कोई गाना बिगड़ ही नहीं सकता। प्रॉब्लम जब होती है जब हम उस चीज का प्रॉपर रियाज नहीं करते। बंदिश को हम रियाज तो करते हैं, लेकिन जैसे 3 ताल पे बजाना पड़ा या हमको कहीं गाना पड़ा तो हम वहां पे पीछे हट जाते हैं। बंदिशों को 3 ताल पे, कहरवा ताल पे, दोनों पे बजाना, वो भी समझ करके बजाना, ये बहुत जरूरी है। समझ के बजाने का मतलब है कि उसी मात्रा से आपको बार बार उठाना है और उस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं है कि वो बजती जा रही है और आप अंधाधुन उस पर लगे चले जा रहे हैं और आपको यही पता नहीं है हमें कहां से उठाना। एक बार बजाइए, दोबारा बिगड़ता है, फिर वो रुक जाइए, फिर अपनी लाइन को वहीं से लीजिए जहां से आपको लेना है हर बार। उसके लिए आपको ताल के बोल याद रहने चाहिए, चाहे वो कहरवा ताल हो, चाहे वो 3 ताल हो, ठीक है। तो ताल को परफेक्ट करने का, फिर हम वहीं आ जाते हैं शुरू में घूम के, ताल को परफेक्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बंदिश। किसी भी राग की बंदिश, 3 ताल की बंदिश हम लेंगे तो उसमें हमारी कहरवा ताल का मीटर हमारे माइंड में तैयार होगा। दादरा ताल की बंदिश हम लेंगे तो उसमें हमारा दादरा ताल का मीटर तैयार होगा। और इस तरह की बंदिशों को, ये बीच में जो खाली जगहें होती हैं, इनको समझना ये बहुत जरूरी है। हम लाइन को गाते हैं, जागो जागो कृष्ण मुरारी मुरारी, तो हमारा वो मीटर से बाहर हो जाएगा। ये मीटर बनना बहुत जरूरी है। जैसे ये हमने लाइनें खींच रखी 3, ये आपकी 8 मात्रा की लाइन थी जिसमें सारी बोल है, ये 8 मात्रा की लाइन जिसमें हमने आधे बोल लिए, ये भी 8 मात्रा की लाइन इसमें भी हमने आधे बोल ले लिए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब एग्जैक्ट अगर हम कोई नई लाइन ले लें, जैसे कोई भी लाइन ले लेते हैं हम, मन मन मेरा मंदिर, चलो हम ये लाइन लेते हैं, मन मेरा मन मंदिर, इसको हम ताल में कैसे भरेंगे? मन मेरा मंदिर, हमारे पास इतने बोल हैं, अब हमें इसको कहरवा ताल में बैठाना है। मन मेरा मंदिर, मन मेरा, देखिए, मन मेरा मंदिर, आगे हमारा 8 मात्रा में, मन मेरा मंदिर, तब आपका वो मीटर में बैठेगा। अगर हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं मन मेरा मंदिर, तो मंदिर उसमें तो हमारे 3 ही बोल आएंगे,
तो 3 गोल में हमारे पीछे 8 मात्रा कैसे बनेगी। और यही चीज आप मिस कर देते हैं जब कोई गाना बजाते हैं, तो उसमें हमें अब मान लो माँ के बाद में 1 मात्रा रुकना था, हम नहीं रुकते हैं क्योंकि हमको वो समझ नहीं है कि हमें यहाँ पे रुकना भी था, तभी वो हमारा 8 मात्रा में पूरा होगा। अब जैसे मैंने इस लाइन को 8 मात्रा में बना लिया, इसका ये बना इसलिए लिया क्योंकि हमारे माइंड में तो मीटर बना हुआ है कि मन मेरा मंदिर जाने को तरसे, लो एक लाइन और बन गई, जाने को तरसे, जाने को तरसे, जाने को तरसे, लो बन गए 8 मात्रा। अब वो कैसे बन गए क्योंकि मीटर हमारे माइंड में है, जाने को तरसे, जाने को तरसे, बन गए 8 मात्रा। अब लेकिन अगर आप गाएंगे तो जाने को तरसे आप ऐसे गाएंगे, अब वो 2 मात्रा आपकी छूट जाएंगी, एक तो ये दूसरे नंबर वाली, एक लास्ट वाली, और वहीं पे हमारा मीटर जो है वो छूट जाता है, हमारी ताल छूट जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जरूरी, इसीलिए तो बंदिशें करवाई जाती है, बंदिशें करवाई जाती हैं, आपको ताने करवाई जाती हैं। तानों को करने से हमारा मीटर तैयार होता है, ताने बहुत जरूरी है करना। जैसे सारे गामा पामा गामा पामा गामा गरे सा, बन गई 8 मात्रा की तान। अब ये कैसे बन रही है हमारे माइंड में, हमें एग्जैक्ट वहीं पे हमारा मन आकर के क्यों रुक जाता है, क्योंकि हमने इस तरह की हजारों ताने कर रखी हैं कि हमने तानों को इतना किया कि वो एक हमारे माइंड में एक अंदाजा बन गया। जैसे एक अंदाजा होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आप कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी गाड़ी इतनी जगह में निकल जाएगी, वो हम चलाते चलाते हमको एक अनुभव हो जाता है, एक अंदाजा हो जाता है, वो अंदाजा हमारे माइंड में बनता है, अंदाजे को ही हम मीटर बोलते हैं। पामा गामा गरे गामा पामा गामा गरे सा, बन गई फिर से तान। ये एक परफेक्शन होता है हमारा। और देखिए ये भाई, किसी ने एक अलंकार यहां से ले लिया, एक बंदी साहब ने वहां से उठा के कर ली, आप दिन भर YouTube पे वीडियो देखते हैं, इसका देखा उसमें कुछ आपको अच्छा लगा आप उसको बजाने लगे, 10 मिनट आप बजाएंगे आपका मन वो भग गया, नहीं मजा आया, फिर YouTube देखना शुरू कर दिया, फिर किसी दूसरे का वीडियो लिया उसको देखा उसमें मजा आने लगा उसको बजाना शुरू कर दिया, उसमें मन उभेगा फिर तीसरा ले लिया। ये रियाज नहीं है, इस रियाज से तो आप कभी भी कुछ भी नहीं बजा पाएंगे। हाँ ये जरूर है कि उल्टा सीधा हाथ मारते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आएगा, लेकिन जब हम कोई चीज समझ करके किसी कोई काम करते हैं बात तब बनती है। और अगर समझ नहीं है कहां से उठाना है, कहां गिराना है, कहां रुकना है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए प्रॉपर रियाज बहुत जरूरी। जितने भी स्टूडेंट संगीत सीखते हैं मैं सबसे यही कहूंगा, संगीत को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर संगीत में आपका मन लगता है, आप संगीत को चाहते हैं, तो आप संगीत को विधिवत लें। आप एक तान को प्रैक्टिस करें, 2 तान को प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको ऐसा प्रैक्टिस करें कि जब उनको आपको गाते वक्त आपके मन में कोई डर ना रहे, आप कहीं भी गा सके, आपको ये पूरा अनुभव हो कि हमारी ये तान पूरी हमारी मस्त परफेक्ट है और इसको हम कहीं भी गा सकते हैं। आप एक गाना बजाइए, एक गाना, लेकिन वो आपका ऐसा बजना चाहिए कि आपको आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी के सामने ताल पे वो हम बजा सके। तब तक आप दूसरी चीज को छूते ही क्यों है, लेकिन हमारा लालच ऐसा है हमारे मन में कि हम एक चीज पे कभी नहीं रुकते। एक गाना बजाया, एक गाना क्या, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो खाली स्थाई बजाते, उसके बाद सीधे दूसरा गाना, फिर उसका थोड़ा बजा लिया, फिर तीसरा गाना, इस तरह वो लगे रहते हैं, सालों लगे रहते हैं, लेकिन ना कोई उनसे गाना बजता है क्योंकि आप रुक ही नहीं रहे हैं कहीं। आपको तो बराबर निरंतर आगे चलते जाना, किसी चीज पे आप नहीं रुक रहे, कोई भी एक चीज आप परफेक्ट नहीं कर रहे, तो वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए ही तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। क्लास ज्वाइन करने से क्या होता है, आपके ऊपर टीचर का थोड़ा जो है प्रेशर रहता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हमारा थोड़ा पैसा जाता है तो हमारे अंदर ये भी रहता है
कि चलो पैसा जा रहा है तो हमें रियाज करना चाहिए, और जब पैसा नहीं जाता है लोगों का तो वो फिर लापरवाही करते हैं। इसीलिए पैसे दे करके सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ दुनिया में है, जब हमारा पैसा जाता है तब हमको उसकी थोड़ी कलक रहती है। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीका आपको बताया है। अगर आप सीख रहे हैं, ताल आपके परफेक्ट नहीं है, तो रागों की बंदिशों को आप विधिवत प्रैक्टिस करें। कहाँ से बंदिश उठाना है, नवी मात्रा, पांचवी मात्रा, उसका भी ख्याल रखें और उसको प्रॉपर ताल पे इस तरह से रियाज करें। ये सोच के रियाज नहीं करें कि एक बंदिश हमें तैयार करनी है, ये सोच के रियाज करें कि एक बंदिश से ही हमें अपना मीटर सही करना है, दो बंदिश से हमको अपना मीटर सही करना है, तानों से हमें अपना मीटर सही करना है। ये चीज ध्यान में रख करके उसको आप रियाज करें तो आपका ताल परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और एक बार ताल आपकी सही हो गई फिर तो जलवा जलवा है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आप कोई भी गाना बजाइए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रियाज करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं, विधिवत सीखना चाहते हैं, तो फिर आप क्लास ज्वाइन करें। और भाई देखिए, मैं सबसे कह रहा हूँ कि क्लास भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सोच के ज्वाइन करें टीचर जो बताए उसको रियाज करें। ये सोच के रियाज ना क्लास ना ज्वाइन करें, क्लास भी आप ज्वाइन करें और प्रैक्टिस फिर भी आप अपने मन से ही कर रहे हैं तो फिर क्लास ज्वाइन करने से भी कोई फायदा नहीं। टीचर आपको बताता रहेगा, आप उसको करेंगे नहीं करेंगे आप अपने मन की, तो फिर आपका फिर वो पूरी जिंदगी का वो सिलसिला हो जाता है, वो ठीक चीज नहीं होगी जब तक आप उसके कहे अनुसार चलेंगे नहीं। टीचर आपको क्यों कहता है किसी चीज के लिए, क्योंकि वो इन सब चीजों को करके बैठा है और उसको मालूम है कि किस चीज से आप आपकी क्या प्रॉब्लम सही होगी। तान बजाने से आपकी ताल सही होगी ये उसको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि उसने कर रखा है और उसकी सही है। बंदिश करने से आपकी ताल परफेक्ट होगी उसको पता है, इसीलिए तो वो आपको करवा रहा है, फिर आप करते क्यों नहीं है। तो उसकी बात को आप मानेंगे तो वो चीज सही हो जाएगी और तभी बात बनेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।